हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पीसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। नई कड़ी में आज हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो है उसका डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, आप प्लीज़ वहाँ पर विजिट कीजिए। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि हम क्यों इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, ऐसा देखा गया है कि कोई भी स्टेट पीएससीज हो या एसएससी में खुद, पेपर के क्वेश्चंस जो है वो बहुत रिपीट होकर आते हैं। ठीक है, तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर हम डिस्कस कर सके, ताकि हूबहू अगर कोई क्वेश्चन आया है आपके सामने, या कुछ हम बैकग्राउंड भी बताएंगे हर क्वेश्चन में उसके आंसर का, तो इसके आपको हेल्पफुल हो, ये उद्देश्य है हमारा। तो फ्रेंड्स, जल्दी से बढ़ते हैं हम अपने पेपर की तरफ। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन है, एट विच रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोस मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, इसका हिंदी में देख लें अगर ट्रांसलेशन, तो किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। और ऑप्शंस दिए गए हैं, बैंक रेट मतलब बैंक दर, रेपो रेट रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट मतलब रिवर्स रेपो दर, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट। ठीक है, तो पहले सबका मतलब देख लेते हैं। बैंक रेट क्या होता है भाई? तो बैंक रेट होता है कि जो भी कमर्शियल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या इसको हम सेंट्रल बैंक भी बोलेंगे, तो उससे किस रेट पे लोन ले रहा है, वो रेट हो जाएगा बैंक रेट। ठीक है, फर्स्ट चीज। रेपो रेट भी लगभग कुछ उसी तरह का है, लेकिन रेपो रेट जो होता है वो कम अवधि के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस देख लेंगे बैंक रेट और रेपो रेट के बीच में पहले। और फिर रिवर्स रेपो रेट जो होता है, जस्ट रिवर्स, ये जो रेपो रेट है उसका रिवर्स मतलब उसका उल्टा। ठीक है, तो आरबीआई अगर किसी भी कमर्शियल बैंक से कम अवधि के लिए जिस दर पे लोन लेगी, उसको हम कहेंगे रिवर्स रेपो रेट, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब जल्दी से एसएलआर भी देख लेते हैं। तो क्या होता है कि आरबीआई रेगुलेट करती है हमारे यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स को, और वो उन्हें बताती है कि भाई कुछ एक मिनिमम कैश है और मिनिमम कुछ एक गोल्ड है, ऐसा कुछ चीज़ें अपने पास आप रिजर्व में रखे रहो क्रेडिट देने के अलावा। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर देख लिया हम, रिवर्स रेपो रेट। एट विच रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है, तो इसका आंसर होगा रिवर्स रेपो रेट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व इज नोन एज, ठीक है, तो आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देख लेते हैं पहले आपूर्ति वक्र कैसा ये होता है। सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व में यहाँ होता है सप्लाई, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई होता है ना, और ये कर्व में आगे या पीछे अपन जाते हैं, ये ऐसा आगे जाएंगे या तो पीछे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स होंगे, कितना सप्लाई हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है इस चीज़ को, सप्लाई ऐसा हो रहा है तो बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है तो घट रहा है। ठीक है, मतलब ये बता रहा है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। ओके, ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक, ऑप्शन है 30, 35, 40 और 37, मतलब 37। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 35 ईयर्स, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स होना चाहिए। और बाकी भी देख लेते हैं हम, क्या क्या बनने के लिए कितना कितना चाहिए। तो प्रधानमंत्री अगर आपको बनना है हमारे देश में, तो आपकी आयु 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रधानमंत्री जो राज्यसभा का मेंबर है, अगर उसे प्रधानमंत्री बनना है तो उसकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। इस चीज़ को बिल्कुल गौर कीजिएगा, अलग से इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप इसे ध्यान में रखें। और MLA चीफ मिनिस्टर, ऐसा अगर बनना है हमें तो आपकी एज हो जाएगी 25 ईयर्स। ओके, तो इसका सही आंसर होगा 35 ईयर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीट ऑफ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट इज इश्यूड टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। ठीक, तो भाई क्या क्या टाइप के रिट्स होते हैं पहले देख लेते हैं हम, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, वो एक्स्ट्रा हम डिस्कस कर ले रहे हैं। हैबियस कॉर्पस होता है,
हैबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, तो जैसे आपने किसी को भी अपने संरक्षण में रख लिया है ना, और सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि उस व्यक्ति को पेश किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो वो आपको जो आदेश देगा उसे हम कहेंगे हैबियस कॉर्पस। सबसे पहली रिट ये हो गई। इसके बाद यहाँ दिया हुआ है मैंडेमस, ये सेकेंड नंबर पे। मैंडेमस होता है सुप्रीम कोर्ट का कमांड किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को। ठीक है, यहाँ पब्लिक ऑफिस का बोल रहे हैं, तो वो ऑफिस के जो अधिकारी होंगे उसे हम कहेंगे पब्लिक ऑफिशियल। तो पब्लिक ऑफिशियल को सुप्रीम कोर्ट उसकी ड्यूटीज, उसके कार्य करने के लिए जो आदेश देगा उसे हम कहते हैं मैंडेमस, ये सेकेंड नंबर पे मैंडेमस जो दिखा है। ठीक है, प्रोहिबिशन जो है ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है ना। और सेरिटरी जो होता है ये नंबर वन पे जो दिया है, सेरिटरी का मतलब होता है कि इसमें कोई भी केस अगर किसी कोर्ट में पेंडिंग है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय होता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से नीचे आता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स, ये सब जो है ये हाई कोर्ट से नीचे आते हैं। तो कोई भी बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट को अगर ये आदेश देगा, कोई भी केस अगर पेंडिंग है उसकी सुनवाई से रिलेटेड, ऐसा सब अगर होगा तो उसे हम कहेंगे सेरिटरी। ठीक है, ये सेरिटरी नंबर वन। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज इश्यूड टू रिस्ट्रेन पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्यू वॉरेंटो, मतलब अधिकार परीक्षा। इसका मतलब होगा कि भाई बोल रहे हैं कि पब्लिक ऑफिस में बाय वॉट अथॉरिटी आप ऐसा कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि अ पर्सन रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट एंटाइटल टू। ठीक है, आप एंटाइटल ही नहीं है इस ऑफिस के लिए, तो किस आधार पर आप इस ऑफिस पे है। ठीक है, फिर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये मौर्य डायनेस्टी के थे, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, प्रथम शासक थे ये। तो चंद्रगुप्त के बेटे जो थे वो थे अपने बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, और अशोक के जो बच्चे थे, तो अशोक के बच्चे में उनकी बेटी है संघमित्रा, और महेंद्र और तीवर उनके लड़के हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के कौन है पुत्र, तो आंसर होगा बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार और बिंबिसार में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बिंबिसार जो है ये हर्यक डायनेस्टी के, ओके, और बिंदुसार जो है ये है मौर्य डायनेस्टी के। ठीक है, और मौर्य डायनेस्टी का अंतिम शासक अगर आपको पूछे तो आपका आंसर होगा बृहदत्त। ठीक, विच डायनेस्टी केम टू पावर इन इंडिया आफ्टर तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है। ठीक है, तो इसकी पूरी सीरीज देख लेते हैं, फिर आंसर खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। गुप्तास वगैरह तो हो भी नहीं सकता, ये सब ऐसे ही दिया हुआ है फालतू यहाँ पे। ठीक है, चार ऑप्शन कंप्लीट करने के लिए दिया हुआ है इसको, है ना। तो देख लेते हैं पहले कुतुबी, शमशी और बलबनी, तीन डायनेस्टीज आती है हमारे यहाँ पे। इसको हिंदी में गुलाम वंश बोला जाता है, इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं खिलजीज, उसके बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोधी, लोधी के बाद मुगल्स। ठीक है, तो पहले बोलेंगे, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं पहले स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के अंडर जो जो आते हैं वो बोल लेंगे आप, उसके बाद आप बोलेंगे खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, और फिर आएंगे मुगल्स। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि तुगलक के बाद कौन आए, तो तुगलक के बाद कौन आएंगे, सैयद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच प्लेनेट इज कंसिडर्ड एज ड्वार्फ प्लेनेट। ठीक है, बोना ग्रह किसको बोलते हैं, तो बोना ग्रह प्लूटो को बोलते हैं, याद रखेंगे आप, है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ड्वार्फ प्लेनेट किसको बोलते हैं, तो प्लूटो को। ये क्वेश्चन बहुत बार एसएससी में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सैंडस्टोन जो बलुआ पत्थर होता है किस प्रकार की चट्टान है। ठीक है, तो सैंडस्टोन जो है ये है एक अवसादी चट्टान, सेडिमेंटरी रॉक्स लेयर के फॉर्मेशन में होती है ये सैंडस्टोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेक्स, टर्टल, लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल्स फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं। तो भाई मत्स्य रहते हैं क्या, सांप मछली हो सकता है क्या, नहीं। जल स्थलचर, ठीक है, एम्फीबियन ये एक बोल रहा है, और रेप्टिलियन, तो कभी भी याद रखेंगे क्रोकोडाइल हो गया, सांप, छिपकली, इसको सबको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। ठीक है, सरीसृप, है ना। और एम्फीबियन की बात करें तो ये फ्रॉग जो है, मेंढक, मेंढक होता है, एम्फीबियंस में आता है। ठीक है, पक्षी भी नहीं हो सकता आंसर, रेप्टाइल्स हमारा सही आंसर है। वीट इज अ, वीट क्या है, गेहूं एक क्या है, तो क्रीपर, हर्ब, श्रब या ट्री। ठीक है, तो ट्री तो होता है बहुत बड़ा वृक्ष जो होता है उसको ट्री बोलते हैं, श्रब्स मतलब होता है झाड़ियां। ठीक है,
हर्ब मतलब होता है औषधि, छोटे पौधे जो होते हैं वो औषधि, ठीक है? तो हर्ब इसका सही आंसर होगा, बेल नहीं होता है ना, गेहूं एक बेल नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर सॉइल वाटर टेंशन, ठीक है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है? तो फोटोमीटर जो है, इसके नाम में फोटो है, फोटो का मतलब होता है लाइट, तो ये लाइट को मेजर करता है। पायरोमीटर जो है ये हाई टेम्परेचर है ना, रेडिएशन के माध्यम से हाई टेम्परेचर को मेजर करता है, ये भी नहीं हो सकता। और साइक्रोमीटर जो है ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब सापेक्षिक आर्द्रता उसको मेजर करता है, ये भी नहीं हो सकता। उसका सही आंसर होगा टेंशियोमीटर। क्या करता है टेंशियोमीटर? सॉइल वाटर टेंशन है ना, मृदा में जल तनाव, ठीक है, ये मापेगा ये। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, है ना, बल का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है? तो पास्कल जो है ये प्रेशर से रिलेटेड है, हो नहीं सकता। बॉयल जो है ये कोई एसआई यूनिट ही नहीं है। न्यूटन अगर एसआई यूनिट है तो वो ही है फोर्स का, ठीक है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, जिसको न्यूटन बोलते हैं, ठीक है? और वॉट जो है ये पावर का होता है। तो इसका सही आंसर होगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड थर्मल कंडक्टर, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? तो एल्युमिनियम गुड कंडक्टर है, एल्युमिनियम नहीं होगा आंसर। कॉपर भी गुड कंडक्टर है, नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ग्लास, मतलब कि ग्लास जो है ये बैड थर्मल कंडक्टर है ना, बुरा ऊष्मा परिचालक है, ठीक है? चांदी भी गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स डाटा परमानेंटली इन अ कंप्यूटर, है ना? तो एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका हिंदी में देख लेते हैं पहले। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में स्थायी रूप से डाटा संचित करता है ना? तो इसका सही आंसर होगा रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है और कैच मेमोरी, ये दोनों जो है ये टेम्पररी मेमोरी स्टोर करते हैं, और एएलयू जो है ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, ये से रिलेटेड नहीं है। तो रीड ओनली मेमोरी जो है ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है? फिर जंग लगना क्या है, रस्टिंग इज वॉट, तो रस्टिंग होता है ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा इसका सही आंसर, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ, ठीक है? ये क्वेश्चन डायरेक्टली किसी एग्जाम में पूछा जाता है, रस्टिंग इज व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस, तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, तो बोलेंगे आप आंसर में रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंबाइंड, ठीक है? विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटायन, कौन एक कैटायन नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है? तो एल्युमिनियम आयन है, कॉपर आयन भी है, जिंक आयन भी है, तो सल्फेट आयन इसका सही आंसर होगा, जो कैटायन नहीं है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्मोग, ठीक है, स्मोग जो है जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, क्लोरीन ऑक्साइड्स जो होते हैं ये स्मोग में नहीं पाए जाते, तो इसका आंसर होगा क्लोरीन ऑक्साइड, ठीक है? तो परिवर्तनशील जैविक यौगिक है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों स्मोक के कंपोनेंट है, मतलब स्मोक के घटक है, लेकिन क्लोरीन ऑक्साइड की बात करें तो ये स्मोक का एक घटक नहीं है, ठीक है? हु इन्वेंटेड फर्स्ट वर्किंग लेजर, ठीक है, तो लेजर का जो है इन्वेंशन, पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ए एच टेलर, पहला जो है ए एच टेलर जो है, इन्होंने रेडार का इन्वेंशन किया है, ठीक है? रेडार जो है ये हमारे एयरपोर्ट वगैरह में यूज होता है रेडार, और ये रॉइंगटन जो है, रॉइंगटन इन्होंने एक्सरे की खोज की थी, ठीक है? और ये जो है मॉरिसन, मॉरिसन भी इससे रिलेटेड नहीं है, मॉरिसन ने फ्रिस्बी की खोज की थी, तो इसका सही आंसर होगा टी एच मैमान, टी एच मैमान इसका आंसर होगा, इन्होंने वर्किंग लेजर को लाया था, ठीक है? क्या क्या बताया मैंने, टेलर ने रेडार, रोइंगटन जो है इन्होंने एक्सरे, और ये मैमान जो है इन्होंने लेजर, ठीक है? तो टेलर, रोइंगटन और मैमान का कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है? मैमान लेजर वाले हैं, रोइंगटन एक्सरे वाले हैं, और टेलर जो है ये रडार वाले हैं, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच द फॉलोइंग है फ्रेंड्स, इसमें मैचिंग करना है हमको, सुमेलित करना है कौन क्या करता है। तो आर्टिस्ट कलाकार दिया हुआ है और कला दी हुई है ना, तो इसको हमको देखना है। सबसे पहले है गौरी शंकर देवीलाल, हरिप्रसाद चौरसिया, एम एफ हुसैन और जाकिर हुसैन, कौन कौन क्या क्या करता है।
तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन थे पेपर में जब इसे पूछा गया था तो ऑप्शंस इस तरह से कुछ सेट थे, एम एफ हुसैन और जाकिर हुसैन, ठीक है, ये दोनों ऐसे नाम है कि ये 80-90% जो पेपर बना रहे हैं उनको पता होंगे कि एम एफ हुसैन जो है ये पेंटिंग करते हैं और जाकिर हुसैन जो है ये तबला वाले हैं, ठीक है, ये पता होंगे। लेकिन ये दो ऑप्शन से ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जा रहा था, इसलिए हमने ऑप्शन नहीं रखा है यहाँ पे, हमको आपको बताना था कौन क्या करता है। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये फ्लूट बांसुरी बजाते हैं, ये इसको बिल्कुल याद रखेंगे आप, हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट बांसुरी, और बच गया कथक, ठीक है, तो गौरी शंकर देवीलाल जो है ये कथक, कथक नृत्य है यूपी का, ठीक है, ये करते हैं, क्लासिकल डांस है कथक। हु इज द ओनली इंडियन क्रिकेटर टू हैव रिसीव द पॉली उमरीगर अवार्ड 3 times, ठीक है, तो ये 2016 का पेपर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें 3 times था। और अब अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कि 5 बार जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, किस एकमात्र भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 3 बार, तो अब पूछ सकता है 5 बार पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर को मिला है 2 बार, वीरेंद्र सहवाग को 1 बार, विराट कोहली को 3 बार, तो उस समय का आंसर विराट कोहली है। और अब अगर पूछा 5 बार किसे मिला है तो भी आंसर होगा विराट कोहली, ठीक है, और रविचंद्रन अश्विन को भी ये 1 बार मिला है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल द सेल आउट, ठीक है, द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सीधा फ्रेंड्स द सेल आउट बोलने के बाद आपको बोलना है पॉल बेटी, तब जो बुक्स एंड ऑथर्स है वो ऐसे ही याद किया जाता है, द सेल आउट बाय पॉल बेटी, तो इससे आप कभी कंफ्यूजन में नहीं आएंगे कि ये बुक को किसी और ने लिखा है, द सेल आउट बाय पॉल बेटी, ऐसा पूरा एक साथ याद करेंगे तो इस क्वेश्चन में आप कभी नहीं फंसेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज हमारा पहला पेपर जो हमने डिस्कस किया, आपके सजेशंस चाहिए हमें कि आपको यह सेशन कैसा लग रहा है, अगर आप ज़्यादा मात्रा में लोग अगर चाहेंगे कि हम इस सेशन को कंटिन्यू करें तो हम आगे इस सेशन को चलाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए थैंक यू, प्लीज़ रेट रिव्यू रिकमेंड अवर चैनल, हमारा इंस्टाग्राम का पेज उसकी डिटेल्स हमने यहाँ पर दी है और हमारा फेसबुक पेज उसकी डिटेल्स हमने यहाँ पर दी है, प्लीज़ हमारे चैनल में जाइए। और SSC CHSL जो होता है कम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, उसके भी जो पेपर्स है उसका डिस्कशन हमने स्टार्ट कर दिया है, तो प्लीज़ आप उसे भी विजिट कीजिए, ये दोनों में से बहुत कुछ चांसेस है कि आगामी जो पेपर्स प्रतियोगी परीक्षा के आप दे रहे हैं तो उसमें क्वेश्चंस फंसने के चांस ये दोनों सेशंस में से बहुत ज़्यादा है, ये क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे देखिए और हमारे चैनल PC Education में ज़रूर जाइए, और भी प्लेलिस्ट में आप देखिए क्या आपके काम का है वो वीडियोज़ ज़रूर देखिए, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।